जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने एमपी से अवैध हथियार बनाने वाले को किया गिरफ्तार। साउथ वेस्ट दिल्ली के एएटीएस की एक टीम ने जिले के इंस्पेक्टर गौतम मलिक के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के धार जिले से हथियार बनाने वाले एक कुख्यात निर्माता और आपूर्तिकर्ता मलखान सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 12 अवैध हथियार की बरामदगी की गई है। इस संबंध में सागरपुर पुलिस स्टेशन में संलग्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। साउथ वेस्ट डीसीपी रोहित मीणा के अनुसार हथियार बनाने वाला आरोपी मलखान सिंह मध्य प्रदेश के धार जिले का रहने वाला है। वह उस क्षेत्र से ताल्लुक रखता है जहां अवैध हथियारों के निर्माण के लिए कुख्यात है। आरोपी के पिता भी अवैध हथियारों के निर्माता थे, फिर मलखान सिंह को भी इन हथियारों को बनाने में दिलचस्पी हो गई और वह पिछले 20 वर्षों से अपने ठिकानों पर अवैध हथियार बना रहा है। वह न सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए बल्कि धन कमाने की इच्छा को पूरा करने के लिए भी ऐसा करता था। शुरुआत में वह स्थानीय अपराधियों को अवैध हथियारों की बिक्री करता था। स्थानीय अपराधियों के माध्यम से वह जल्द ही दूसरे राज्यों में अवैध हथियार तस्करों के संपर्क में आ गया। वह विभिन्न बोर और सैप के पिस्तौल बनाता था। उसके अवैध हथियारों की आपूर्ति मुख्य रूप से एनसीआर यूपी और एमपी के अपराधियों को होती थी। हालांकि हाल के दिनों में उसका अवैध व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ क्योंकि उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। वो हाल ही में जमानत पर रहा हुआ था। उसे दिल्ली एनसीआर के अपराधियों से हथियारों की लगातार मांग मिल रही थी। हालांकि जांच के डर से उसके ग्राहक दिल्ली आकर हथियारों की आपूर्ति करने से इनकार कर रहे थे, इसलिए वह खुद दिल्ली आया था ताकि अपराधियों को हथियार देकर अपने अवैध कारोबार को फिर से शुरू कर सके और घाटा वसूल सके। पूछताछ में मलखान ने खुलासा किया कि उसे पहले भी मध्य प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या है सर, बताइए डिटेल में। काफ़ी टाइम से जो इलिसिट वेपन्स जो सप्लाई होते हैं दिल्ली एनसीआर में, इसमें हमारी जो टीम है, ऑपरेशंस की टीम, एसीपी देवेंद्र और इंस्पेक्टर गौतम जो हमारे एटीएस इंचार्ज हैं, इस पर काम कर रहे थे। थ्रू टेक्निकल सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस डेवलप करने के बाद इन्होंने एक अच्छा कैच किया इसमें, और एक जो धार एमपी बेस्ड एक सप्लायर है जो दिल्ली एनसीआर में वेपन सप्लाई करता है, इसको पकड़ा और इससे 12 वेपन्स रिकवर किए और विथ मैगजीन रिकवर किए और एक गैंग बस्ट किया कि जो कि वहाँ से ये जो वेपन सप्लाई का काम करता है। इसमें हमने आगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक जिस पे भी काम किया तो पता चल रहा है यहाँ पे ये कुछ लोग हैं जिनका नाम आया इंट्रोगेशन के उनके टच में है जो दिल्ली एनसीआर में वेपन्स लेते हैं इनसे। और इस पे पहले 12 मुकदमे हैं और पहले भी ये 3 बार स्पेशल सेल ने इसको अरेस्ट किया है। साथ ही साथ एमपी में इंदौर में अरेस्ट है। इसकी डिटेल्ड इंट्रोगेशन करी थी तो उसमें ये भी पता चला कि ये कुछ क्रिमिनल्स के भी कॉन्टेक्ट में जब ये जेल में था तो ये इसी में जो और आम सप्लायर थे उनके कांटेक्ट में आया है, जिसके थ्रू ये अपने नेटवर्क में और ये वेपन्स का सप्लाई का काम करता है। सर, इसके वेपन्स का सोर्स क्या है, कहाँ से लाया, और मेनली अगर दिल्ली में रिसीवर्स की बात करें तो कौन बड़ा गैंग है सर उसका रिसीवर है? हाँ, अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बेसिकली बाकानेर में ये जो दो शख्स हैं अंगद और बलबीर, उनके साथ ये बनाते हैं वेपन, वहाँ पे मैन्युफैक्चर भी और साथ सप्लाई का भी काम करते हैं। और जो रिसीवर्स हैं उसमें कुछ नाम आए हैं हमारे पास, कैराना के और एक अश्नीर का, एक आरिफ का भी नाम आया है जो कि यहाँ पे वेपन्स को लेके और आगे सप्लाई का काम करते हैं। और अभी तक कुछ संख्या बताई सर, इतने सप्लाई कर चुका है जो, क्योंकि पहले भी पिछले साल भी इसे 11 वेपन रिकवर हुए थे और काफ़ी जो इसके जो इंट्रोगेशन में है तो इसमें करीब 200 से भी ये ज़्यादा मतलब वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई के नेटवर्क में रह चुका। और वहाँ पे ये काफ़ी मैसिव लेवल पे ये काम होता है, जैसा कि पता है कि उधर धार और उस एरिया में इस तरह के काफ़ी सारे वेपन मैन्युफैक्चर हैं, इसके बारे में इसने ही बताया। सर, इसकी दिल्ली में कहाँ से गिरफ्तारी हुई और क्या कि कितने का ये वेपन, एक वेपन कितने का बेचते थे? ये दिल्ली में इसकी गिरफ्तारी हमने सागरपुर में नाला रोड के पास से करी। और बेसिकली वेपन को ये जो जहाँ से डिमांड आती थी तो उसके हिसाब से वो बेचते थे, उसको कभी ओवर प्राइस कर भी बेचते थे, तो जैसा उनको मतलब जो लोग
खरीदते थे उस हिसाब से उसको बेचते थे। अच्छा, वेपन जो है किस टाइप का है, एक जैसे क्या ऑटोमेटिक है या ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। अभी तक सर कितने वेपन ये मार्केट में दे चुका अपराधी? जो एग्जैक्ट नंबर तो कहना मुश्किल है, जो जिस हिसाब से बता रहा है तो वहाँ पे काफ़ी इंदौर पुलिस ने भी काफ़ी रिसेंट पास में दबिश कर ली है, तो बोलते हैं कि अब हम कम हो गया इस तरीके का कार्य, लेकिन जो इसने जो उसके 10-12 साल की हिस्ट्री रही है उसमें 200 से भी ज़्यादा रेफरेंस या तो फ्रंट में या बैक एंड करके उसने सप्लाई किया। अच्छा, इन लोगों के कोई पीछे गॉडफादर भी है या कि खुद ही ये अपना गैंग चलाते थे? वो बेसिकली जो एक वहाँ एक पर्टिकुलर रीजन है, जैसे आपको पता ही होगा कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी रही है पहले में, और अभी जो मेरे को बता रहे थे इंट्रोगेशन में तो ये यही बता रहे थे कि अभी काफ़ी सख्ती हुई है वहाँ पे, तो उस को ये बेसिकली क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ ये काम करते हैं तो वहीं से गैंग को ऑपरेट करते हैं। सर पकड़े, इसका सर नाम क्या है और कितने साल का है ये? इसका नाम मलखान है, ये 40 साल का। कहाँ का रहने वाला सर ये है? धार का ही रहने वाला है, सिरसोदिया करके जगह है। दिल्ली में भी इसका कोई ठिकाना है सर? दिल्ली में इसका कोई हमारी इन्वेस्टिगेशन में ठिकाना नहीं है। ये सर किस गैंगस्टर को देना चाह रहे थे ये? अभी इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बेसिकली ये नेक क्रिमिनल्स को सप्लाई करते थे जो कि आगे फिर फर्दर ये भी आर्म्स डीलर को जो और छोटे आर्म्स डीलर हैं उनको सप्लाई करते थे जो कि आगे फर्दर क्रिमिनल्स को सप्लाई करते थे, तो ये भी जो है बल्क लेवल पे ही सप्लाई। ठीक। तिलक की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक रजिस्टर में मौजूद हूँ साउथ वेस्ट डीसीपी के, जो हमारे साथ मौजूद है डीसीपी रोहित मिरागी। आपको बता दूं जिस तरीके से सागरपुर के अंदर आम सप्लायर जो गिरफ्तार किया है, इतने मात्रा में उसके पास से आम मिले हैं, तो पूरा जो मामला है सबसे जानते हैं सर, पूरा मामला क्या था सर? ये हमारी एटीएस की टीम जो डीसीपी देवेंद्र और इंस्पेक्टर गौतम के नेतृत्व में काम कर रही थी, तो ये आम सप्लायर की चेन में इंट्रोगेशन में काम कर रहे थे, तो टेक्निकल और ह्यूमन डेवलप करते हुए उन्होंने एक एक्यूज मलखान सिंह को अरेस्ट किया है जो कि 40 साल का है, जिसमें 12 इन्वॉल्वमेंट है और इससे 12 हमें जो है सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल विथ मैगजीन दिखा रहे हैं, और ये धार जो एमपी है वहाँ से ही आम सप्लाई का काम करते थे और यहाँ पे अलग अलग जो भी क्रिमिनल्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सर जो आपके मार्गदर्शन में ये सिंडिकेट या पूरा जो आर्म्स का जो पकड़े गए एक तरीके से बोलेंगे दिल्ली एनसीआर में, कहीं ना कहीं ये जो वारदात है कहीं हद तक रुकेगी सर ये आर्म्स जो पकड़े गए? जी, दिल्ली पुलिस हमेशा ही इसमें जो भी वेपन के जो लिंक्स हैं चेन है पे काम करती रही है, और हमारी स्पेशलाइज यूनिट स्पेशल सेल हो चाहे क्राइम हो सारे यूनिट इसी में काम करते हैं, तो इसी में हम भी ये कोशिश रहती है कि वेपन के सोर्स तक जाए और वेपन के सोर्स के सिंडिकेट को भी बस्ट किया जाए। सर जो ये अभी जो पकड़ा गया है व्यक्ति, क्या इससे पता चला कि कहां से इसको आर्म्स मिलते थे? जैसा कि मैंने आपको बताया धार एमपी से वहां पे मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई दोनों का काम करता था, वहीं से ये कुछ लोग नाम आए हैं उनके थ्रू ये सोर्स के पता। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद थे डीसीपी रोहित मीना जी, जिन्होंने बताया कि ऐसे सप्लायर के पकड़े जाने से कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में ऐसी वारदातें रुकेंगी। मैं तिलकराज कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।